झांसी अपने गंगा जमनी तहजीब और आपसी सौहार्द के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। झांसी शहर में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को पुख्ता करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है खाकी शाह की मजार। झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के पास बने इस मजार के परिसर में ही एक शिव मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं और साथ ही में मुस्लिम धर्म को मानने वाले मज़ार पे नमाज पढ़ने भी आते हैं। खाकी शाह मज़ार की देखरेख करने वाले हनीफ शाह बताते हैं कि यह मज़ार 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। 5 मंजिला यह मज़ार पूरी तरह चूने और पत्थर से बनी हुई है। मज़ार की 3 मंजिलें दिखाई देती हैं, लेकिन 2 मंजिल पानी के नीचे दबी हुई है। इस मज़ार पर रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव भी सजदा करने आते थे। मज़ार में आने का एक गुप्त मार्ग भी था जो अब बंद हो गया है, लेकिन आज भी सुरक्षित है और यहाँ दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग अपनी अपनी आस्था को पूरा करने और पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। मुझे कहा जाता है खाकी शाह मजार हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, आप कैसे देखते हैं पूरे? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हर धर्म का लोग आते हैं, उसमें आस्था भी है और कई लोगों की मान्यता भी यहाँ पर हुई है। क्या मान्यता है पूरी हुई? एकता सद्भाव का है कि जो भी बाबा से आप फरियाद करेंगे वो बाबा आपकी मुराद पूरी करते हैं। फिलहाल इस मंदिर पर NGT की तलवार लटकी हुई है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। न्यूज 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।